भारत में तैयार हुआ पहला स्वदेशी योद्धा, इनके प्रहार को रोकना है दुश्मन के लिए मुश्किल। दोस्तों, चीन और पाकिस्तान से लगातार खतरे को देखते हुए भारत अपने रक्षा उपकरण को मजबूत कर रहा है। पहले से ही पाकिस्तान से लगातार भारत का खतरा बना रहा है और अब चीन LAC पर युद्ध का माहौल बनाए हुए है। इसी कड़ी में भारत रक्षा के क्षेत्र में अपनी तकनीक को अपडेट कर रहा है और नए नए हथियार का निर्माण भी कर रहा है। अपनी स्वदेशी हथियार निर्माण की इस प्रक्रिया में भारत ने कुछ ऐसा कर दिखाया है जिससे दुश्मनों का होश उड़ा हुआ है। हम जिस हथियार की बात करने वाले हैं वो अब बनकर तैयार भी हो चुका है। यह अचूक हथियार का निर्माण भारत के HAL कंपनी ने किया है। चलिए जानते हैं भारत के उस स्वदेशी योद्धा के बारे में जिससे दुश्मन खौफ खा रहे हैं। चीन का काल बना भारत का स्वदेशी योद्धा, इसकी ताकत देख दुश्मन के छूट गए पसीने। पिछले काफी समय से भारतीय वायुसेना एक हल्के हेलीकॉप्टर की मांग कर रही थी ताकि दुश्मन पर ऊंचाई से हमला किया जा सके। यह जरूरत भारत को 1999 के कारगिल युद्ध में भी महसूस हुई थी, जिसे ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा अक्टूबर 2006 में स्वदेशी निर्मित हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर का डिजाइन और विकास को मंजूरी दी गई थी। इसके बाद हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड यानी कि HAL ने इसे एक मिशन के तौर पर लिया और अब इस मिशन को पूरा भी कर दिया है। अब HAL ने भारतीय वायुसेना के लिए हर साल ऐसे 30 हेलीकॉप्टर का निर्माण कर रही है। यह देश का पहला मेड इन इंडिया लड़ाकू हेलीकॉप्टर है। अब आइए हम आपको बताते हैं कि आखिर क्या है इस हेलीकॉप्टर की खासियत। दरअसल दोस्तों, यह हेलीकॉप्टर 5 से 8 टन वजनी जुड़वा इंजन वाला LCH दुनिया का एकमात्र अटैक हेलीकॉप्टर है। वहीं यह हेलीकॉप्टर 5000 मीटर यानी कि 16,400 फीट की ऊंचाई पर भारी मात्रा में ईंधन और हथियार के साथ टेक ऑफ कर सकता है। इसके साथ ही यह हेलीकॉप्टर 15,000 से 16,000 तक की ऊंचाई पर उड़ने में भी सक्षम है। यह बर्फ की चोटियों पर -50 डिग्री सेल्सियस से लेकर रेगिस्तान के 50 डिग्री सेल्सियस तक के तापमान को झेल सकता है। इसलिए यह हेलीकॉप्टर सियाचिन जैसे दुर्गम इलाके में भारतीय वायुसेना के लिए अहम साबित होगा। हवा से हवा और हवा से जमीन पर मार करने वाला इस हेलीकॉप्टर में 20 mm की बंदूक और 70 mm की रॉकेट लगी हुई है। मिशन के दौरान इस अटैक हेलीकॉप्टर को मैन्युअली ऑपरेट किया जाता है और जरूरत पड़े तो इसे उल्टा भी किया जा सकता है। यह अटैक हेलीकॉप्टर 360 डिग्री घूम सकता है, यानी इसे हवा से हवा में ही तेजी से घूमने और अपना मार्ग बदलने में महारत हासिल है। चीन से युद्ध में बाजी पलट देगा यह योद्धा, चीन के W-10 हेलीकॉप्टर से भी है ज्यादा घातक। दोस्तों, भारत चारों दिशाओं से दुश्मन से घिरा हुआ है, जिससे हमेशा युद्ध जैसा माहौल बना होता है। कारगिल हो या फिर डोकलाम, भारत पहले से ही एक हल्की हेलीकॉप्टर की जरूरत महसूस कर रहा था। इसी कड़ी में भारतीय वायुसेना ने इस दुर्गम इलाके वाले क्षेत्र में 2 LCH अटैक हेलीकॉप्टर तैनात किया हुआ है। इन हेलीकॉप्टर को विशेषकर मिश्रित धातु तथा टाइटेनियम जैसे हल्की धातु से बनाया गया है ताकि अत्यधिक तापमान और कठिन पर्यावरण को सह सके। इसी कड़ी में HAL ने कमाल ही कर दिखाया है। उसने न विश्व का सबसे हल्का हेलीकॉप्टर बनाया बल्कि सबसे अधिक ऊंचाई पर उड़ सकने वाली हेलीकॉप्टर का सपना को साकार कर दिया। इस मिशन से चीन और पाकिस्तान ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया हैरान है। यह हेलीकॉप्टर चीन और पाकिस्तान के बॉर्डर वाले इलाके में आने वाले दिनों में काल साबित होने वाला है। दोस्तों, किसी भी देश के लिए युद्ध में उसकी वायुसेना अहम कड़ी होती है। ऐसे में वायुसेना को मजबूत होना बेहद ही जरूरी हो जाता है। 1962 के युद्ध में पराजय का मुख्य कारण वायुसेना ही था। उस समय हमारी वायुसेना उतनी ताकतवर नहीं थी। हालांकि अब हमारी वायुसेना पहले से काफी मजबूत हो गई है और इस अटैक हेलीकॉप्टर के शामिल हो जाने से और मजबूत होगी। उम्मीद करते हैं आने वाले दिनों में HAL हमारी वायुसेना के लिए ऐसे ही नई नई हथियारों का निर्माण करेगी जिससे हम दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया जा सके। दोस्तों, ऐसे ही डिफेंस से संबंधित और भी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।